हेलो गाइस वेलकम टू मोटर ऑक्टेन मेरा नाम है विराट और आज मैं आपके लिए लेकर एक बहुत एक्साइटिंग प्रोडक्ट ये है द एक्स एंड ये दावा करता है इंडिया का सबसे टेक लोडेड एंड फीचर लोडेड स्कूटर होने का एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर अब मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ डिटेल में स्कूटर के बारे में सो ये वीडियो एंड तक देखिए स्टे स्टेट लेट्स इन टू इट पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में बिकॉज दिस इज अ डिजाइन जो सब वेट कर रहे थे आने का टीवीएस क्रेन जो थी ऑटो एक्सपो पे हमने देखी थी बहुत सारे अवार्ड शोज पे गई थी इट वॉज अ डिजाइन दैट एवरी वन लव तो लेट स्टार्ट एट द फ्रंट एंड सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज वहीं पर है क्रेन के साथ एंड इट इज वेरी डिस्टिंक्टिव जहां पर आप ये देखते हैं ये जो वर्टिकली स्लैटेड एल ईडीज है जो टीवीएस इसको बोलता है लाइट सेबर इफेक्ट इट लुक्स रियली रियली कूल उसके अलावा जो पूरा फ्रंट एपरिन है रेड ब्लैक आपको कॉम्बिनेशन में मिलता है काफी अच्छा लगता है बाय द वे मैं बता देना चाहता हूं इस समय ये ही जो है इस प्रोडक्ट का कलर रहेगा यू आर नॉट गेट एनी अदर कलर ऑप्शन अवेलेबल लाइट्स के बारे में ही बात करते हुए नीचे आपके पास यहाँ पर जो एक एलईडी चालू है इज द कॉर्नरिंग लाइट ये लाइट जो है आपको तभी मिलेगी जब एक लीन एंगल क्रिएट होता है स्कूटर में और ये चालू होएगी आप देख सकते दूसरे साइड की जो लाइट है वो इस समय ऑफ है क्योंकि लीन एंगल जो है स्कूटर का उस तरफ है उसके अलावा आप देख सकते हैं आगे पीछे स्कूटर को डिस्क ब्रेक मिलते हैं तो आप आगे का डिस्क ब्रेक देख सकते हैं टायर्स जो है बारह इंच के मिलते हैं बाय द वे ये ही एक अकेला स्कूटर है इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसको इस समय ए मिलता है फ्रंट सस्पेंशन सस्पेंशन जो है वो टेलीस्कोपिक ही मिलता है आपको नीचे आपको जो एपरिन है आप देख सकते हैं कैसा मिल रहा है एप्रिन यहाँ पर खत्म होता है फिर एक कट आता है और ये एक सिल्वर कलर का पोर्शन आ जाता है जहां पे आपको एक्स बैजिंग जो है मिलती है और आप देख सकते हैं रेड ब्लैक सिल्वर एंड सडनली ब्लू एलिमेंट्स जो है स्टार्ट हो जाते हैं तो साइड जो है स्कूटर का काफी हद तक स्पोर्टी लगता है इट लुक्स रियली रियली कूल द स्प्लिट सीट जो आपको बड़े फ्लोर बोर्ड मिलते हैं एक बार मैं बैठ के दिखाता हूं आपको इस स्कूटर पे हाउ वुड यू सिट टेक अ लुक इट्स अ रियली कंफर्टेबल राइडिंग पोजिशन इगोनॉमिक्स जो है काफी अच्छे हैं एंड एट द सेम टाइम जो कंफर्ट एलिमेंट ज्यादा बढ़ता है वो ये सीट की वजह से बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे आपको एक सैडल सीट जो है ऑलमोस्ट मिल जाती है जो स्प्लिट सीट का कॉम्बिनेशन है और पीछे यहाँ पे पैसेंजर जो है आराम से बैठता है बाय द वे आई शो यू पैसेंजर के फुटप्रैक्स दिख रहे हैं आपको नहीं ना तो वो यहाँ पर है तो उनको ऐसे खोल के नीचे आप लेकर आ सकते हैं और फिर इन्हें वापस बंद कर सकते हैं कमिंग टू द रियर नाउ आते हैं पीछे की तरफ एंड लेट्स सी यहां पर आपके पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं तो सबसे पहली चीज यूर देयर इंटीग्रेटेड है इन द बॉडी वर्क इट सेल्फ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पीछे आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं आपका टेल लैम्प जो है एक एलई डी स्ट्रिप है यहाँ पर एंड एक बार में जो है इंडिकेटर्स चालू करता हूं इसके ये साइड के तो आप देख सकते हैं पीछे कैसे चल रहा है एंड इट इज गॉट अ डायनामिक इंडिकेटर इट्स नॉट जस्ट फ्लैशिंग ये देख सकते हैं आप डायनामिकली लिट है ये तो काफी कूल cool है एंड अर कूल एलिमेंट दैट दिस स्कूटर हैज इज ये सिंगल साइडेड स्विंग आर्म तो आप देख सकते हैं पीछे जो आपको यहां पे मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है आपका जो मोटर है बैटरी है वो सारा यहाँ पर लेड आउट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत बेटर करने की कोशिश की है टी ने बट कम ऑन दिस साइड नाउ एंड आई शो यू यहां पर जो लुक है फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द स्कूटर कितना क्लीन लगता है तो आप देख सकते हैं देर इज नो क्लटर यर इट लुक्स रियली रियली कूल द एलोय व्हील कैन बी शोन ऑफ अब एक बार ऊपर आते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द बिग थिंग दैट इज द 10.2 पॉइंट टू इंच टच स्क्रीन दैट द स्कूटर गेट्स उसके पहले जो प्रीमियम पार्ट्स और हैं यहां पर मैं आपको बता देता हूं स्विच गियर देखिए नथिंग लाइक टीवी ऑन एनी ऑफ़ दर स्कूटर्स तो आप देख सकते हैं ये साइड पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इफ यू कम क्लोज आप देख सकते हैं आपको टॉगल स्विचेस मिलते हैं टच स्क्रीन कंट्रोल करने के लिए व्हेन यू आर ऑन द गो नीचे आपको मिल जाते हैं आपके इंडिकेटर स्विचेस हॉर्न आपको मिल जाता है क्रूज फंक्शनैलिटी एंगेज डिस करने का बटन आपको मिलता है पास पासलाइट का आपको बटन मिल जाता है एंड एट द सेम टाइम ये बटन जो एक हेलमेट का डिस्प्ले देता है वो खोलता है ये सैडल टाइप सीट को और नीचे आप एक फुल साइज हेलमेट जो है फिट कर सकते हैं इसके अंदर आपको एक यूएसबी पोर्ट भी मिल जाता है नाउ लेट्स कम योर आपके पास जो टच स्क्रीन है यहाँ पे आप देख सकते हैं इज अ बिग डिस्प्ले बेजल्स आप देख सकते हैं अराउंड इसके कितने बड़े हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग दैट आई सी इज नथिंग लाइक मैंने कभी देखा है आई जी रील्स यूट्यूब शॉर्ट्स फेसबुक रील्स ऑन अ टू व्हीलर आप देख सकते हैं सो आई कैन प्रेस दिस एंड इट गोज इन टू इंस्टाग्राम देखे इंस्टाग्राम चालू हो गया और आई गो बैक एंड आई कैन गो इन टू यूट्यूब शॉर्ट्स एंड स्ट्रेट वे आप देख सकते हैं एक यूट्यूब शॉर्ट चालू हो गया आई एम वेरी श्योर दिस फीचर के नॉट बी यूज जब आप स्कूटर uh, चला रहे हैं इट विल नॉट बी एडवाइजल नेक्स्ट आप नीचे देख सकते हैं वेलनेस मोड आता है एक आपको यहाँ पे विच इज़ वी हैव सीन इन द पास्ट ऑन कार्स जहाँ पे साउंड ऑफ नेचर है या फिर ऑन मर्क एंड बी एमडब अगेन वाइट नॉइज कैंसलेन एंड वो सारे फीचर्स आते हैं तो दैट ऑल इज गिवन यर मे बी ऑन अ स्कूटर आई डोंट नो हाउ मच यूज़ विल हैव क्योंकि आप ऑलरेडी नेचर में ही हैं यूर एक्सपोज टू द एलिमेंट्स बट बर्ड्स चोपिंग ये ऑडियो अगर आपको सुनना है आप सुन सकते हैं लेट्स गेट आउट ऑफ दिस नेविगेशन जो है उसमें चलते हैं यू कैन बेसिकली लिंक अप द स्मार्ट कनेक्ट ऐप एंड आप नैविगेशन जो है यूज़ कर सकते हैं उसके अलावा आप अपने स्कूटर के जो भी टेलीमेटिक्स uh, हैं जो भी आपको देखना है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका राइडिंग स्कोर क्या है आपका कौन सा मोड जो है स्कूटर का सबसे अच्छा लगता है आपको जोनिक अच्छा लगता है एक्स राइड अच्छा लगता है एक्ससेल तो अच्छा लगता है ऑल ऑफ दैट इज देर एंड ऑल्सो यू गेट टी पी एम एस टी पी एम एस जो है वो एक एक्सेसरी है स्कूटर पे इट इज नॉट समथिंग दैट यू गेट बट यू कैन गेट इट फिटेड एंड वो डायरेक्टली यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाता है ये डिस्प्ले के साथ उसके अलावा मैं एक और चीज जो बताना चाहता हूँ इज यहाँ पे आइए जब मैं ये होम स्क्रीन पे रहता हूँ दिस इज द बेसिक होम स्क्रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मेरे पास कितने सारे विजिट्स हैं मैं यहाँ पे स्कोर्स चेक कर सकता हूँ टेम्परेचर देख सकता हूँ मेरी इको सेविंग्स क्या है मैं वेलनेस का जो है पार्ट यूज कर सकता हूँ ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल ऑन दिस स्कूटर अब ये जो है आपका चार्जिंग पोर्ट है इसे आप खोल सकते हैं एंड दिस इज वेर यू प्लग इन द स्कूटर टू चार्ज इट अप अदर देन दैट मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ ये देखिए जो आपके लीवर्स हैं ब्रेक्स के दे आर एडजस्टेबल तो आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ फार और बैक डू यू वॉन्ट देम ऑल्सो ये देख सकते हैं आप क्वाइट प्रीमियम सो ओवरऑल स्कूटर जो है टच एंड फील क्वालिटी जो है काफी अच्छी लग रही है द बिग क्वेश्चन फॉर अ लॉट ऑफ बायर्स इज गोइंग टू बी द प्राइस एक्स शोरूम बैंगलोर टी बोल रहा है टू पॉइंट फाइव लैक्स फॉर दिस स्कूटर नाउ क्या आप खरीदेंगे इसको मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए एट द सेम टाइम लेट मी नो अ वेट फॉर अ बिग प्रीमियम टी स्कूटर इज नाओवर मोटर जो है इसकी इफ आई एम नॉट 4.4 किलोवाट की है इज अ बिग मोटर फॉर द स्कूटर टॉप स्पीड 105 किलोमीटर पर टू आपको मिलती है ग्राउंड 175 हंड्रेड एंड ओवरऑल जो वेट है स्कूटर का 130 एंड थर्टी तक है सो दीज आर सम ऑफ द फिगर्स अराउंड द स्कूटर मैंने आपको डिटेल में दिखाया है ये मुझे बताइए डू यू लाइक इट वॉट इज योर थिंकिंग वुड यू कंसिडर बाइंग सच अ प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर लेट मी नो एंड ऑल्सो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाए टू फॉलो आर्स फॉर मोर सर्च कॉन्टेंट एंड सब्सक्राइब करके रहिए टू द मोटरऑक्टेन यूट्यूब चैनल आज बहुत गर्मी थी बट दिस वॉज अ लॉन्च दैट वी एंजॉय द क्रे ऑन और नाउ द टी वी एस एक्स इज फाइनली ईयर एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू राइड दिस स्कूटर ऑब्वियसली इसका डिटेल्ड रिव्यू आएगा सो स्टे सब्सक्राइब ऑन द मोटरऑक्टिन यूट्यूब चैनल टेक केयर राइड सेफ मिलेंगे फिर से